जली को आग कहते हैं, बुजी को राग कहते हैं, डिचकोबरा को नाग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं। जो नरेंद्र मोदी एंड टीम के पास नहीं, उसे दिमाग कहते हैं कि अगर सड़कें खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हम संसद को आवारा नहीं होने देंगे। संघर्ष के बारे में हमसे ना पूछना। आधे पेट खा के ना 1400 किलोमीटर का सफर करते हैं, सियासत खाते हैं, सियासत पीते हैं, सियासत ओढ़ते हैं, सियासत बिछाते हैं। कि अगले 10 साल तक भारत में एक भी बच्चे नहीं होने चाहिए, और अगले 10 साल बाद 20 साल तक एक ही बच्चा होना चाहिए। और अगर मैं लड़की होता और 18 साल की उम्र में मिलता तो मैं माँ कसम खंभे पे चढ़ जाता हूँ उसे शादी करने के लिए। कोई भेज दीजिए आज मुझे पाकिस्तान। अरे इस देश की मिट्टी से इतना मोहब्बत करता, कण कण कट के इसी में लग जाएंगे। कि बाबा साहब कहते थे, मैं कथाकथित समाजवादियों से पूछना चाहता हूँ कि आर्थिक सुधार के बिना सामाजिक सुधार संभव है? क्या नरेंद्र मोदी क्या कर रही है? लोगों को बांट रही है, नफरत फैला रही है, बिल्कुल सेम अंग्रेजों वाले काम, लोगों को बांटना और राज करना। हम उसके विरुद्ध आए हैं। हम सरकार से ये नहीं कहते कि हमारे 50 गज का प्लॉट हमारे नाम कर दीजिए। इस देश का नौजवान ये नहीं कहता साहब कि हमें कुछ दे दीजिए। हम इस देश का नौजवान कहता है कि हमने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ाई में लगाया और माँ बाप को और घर परिवार को समाज को मुझसे बहुत उम्मीद है। आप मुझे एक रोजगार की व्यवस्था कीजिए मेरी काबिलियत के अनुसार। मैं ये नहीं कहता कि मुझे एक DM कलेक्टर बना दीजिए। जितने मेरी काबिलियत है उतना मुझे काम दीजिए। आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर सुनिए, आत्मनिर्भर भारत कम नहीं था और भारत का युवा कहीं कम नहीं था। भारत में सिप्ला है, विप्रो है, यह आत्मनिर्भर नहीं है, यह हमेशा ही रहे। हर आदमी टाटा नहीं हो सकता। इस बात पर नरेंद्र मोदी चाय बेच के प्रधानमंत्री और हमें कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, पहले वो बनिए। गलत क्या कहते हैं? यही तो सवाल है, गलत क्या कहते हैं? देखिए, जली को आग कहते हैं, बुजी को राग कहते हैं, डिचकोबरा को नाग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं। जो नरेंद्र मोदी एंड टीम के पास नहीं, उसे दिमाग कहते हैं। हम उनसे सीखेंगे। क्या बात करते हैं? विवादित टिप्पणी है। देखिए, विवादित टिप्पणी की अगर बात करेंगे ना, विवादित टिप्पणी की अगर बात करेंगे तो पूरी बीजेपी में 90% नेताओं को जेल हो जाएगी। हम तो समाजवाद की लड़ाई लड़ने वाले, हम समाजवाद की लड़ाई लड़ने वाले एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। जब कांग्रेस शोषण पे चरम पे थी 2011 में, हम ही उसके खिलाफ थे। हमने जड़ से उखाड़ फेंकी थी कांग्रेस। हम उस हर मंच में नजर आएंगे जहाँ शोषण के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही होगी। इस देश का पीड़ित वंचित शोषित आवाजों को दबाया जा रहा है, बेरोजगारों की, बेरोजगार, महंगाई, गरीब, पता है करोड़ों लोग डायलिसिस से पीड़ित हैं, करोड़ों लोगों को कैंसर है, कीमोथेरेपी नहीं मिली, करोड़ों लोगों को न्यूरो की शिकायत है, दौरे पड़ रहे हैं, इलाज सुनिए क्या। मैं जिम्मेदार हूँ। हमें अगर इस हम अपने राष्ट्र में जन्मे हैं और मैं इस देश का गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 40 में सर गंगाराम में अपोलो में जाके अपना इलाज कराऊँ। मानते हैं ना, 5-स्टार होटल से ज़्यादा फीस है उनके बेड की। तो मुझे कैंसर हो जाता है तो क्या मुझे जिंदगी में दवाई लेने का अधिकार सरकार नहीं देगी? मतलब यह है कि समस्या इस देश में हजार है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं स्वयं काल चल रहा है। कहने का मतलब यह है अमृत का स्वयं काल चल रहा है। हर जगह दुखों का पहाड़ है, लेकिन सेवनार में रहने वाले और साउथ ब्लॉक में अपने PM कार्यालय में बैठने वाले, उन्हें नहीं दिख रहा भाई, उन्हें नहीं दिख रहा। क्योंकि देखिए, आपके बदन पे कपड़ा कम है और आप कश्मीर में खड़े हैं तो आपको सर्दी लगेगी, तो महसूस होगा कि सर्दी लग रही है। और नरेंद्र मोदी मोटी सी जैकेट पहनेंगे और शिमला जैसी गर्मी लेंगे, दिल्ली जैसी कश्मीर में खड़ा होगा, तो उन्हें क्या पता सर्दी का एहसास। हम गरीब हैं। हम क्या कहते हैं, राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अगर सड़कें खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हम संसद को आवारा नहीं होने देंगे। समाजवाद क्या है? सबके हिस्से में सबकी रोटी आए, जिसकी लड़ाई भगत सिंह ने लड़ी, अंबेडकर ने लड़ी, महात्मा गांधी ने लड़ी। हम इस विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं। हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जिन्होंने काला पानी की सजा से बचने के लिए अंग्रेजों के सामने पूरा लंबा लंबा लेट गया और उनके सरनेम में वीर लग गया। आज तो देश विकास कर रहा है, समझ रहे हैं क्या बात कर रहा हूँ? देश विकास कर रहा है। अरे देश का विकास कब नहीं हुआ? जब करोड़ों लोगों को कुर व्यवस्था से निकाल के समाज की मुख्य धारा में अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति ने जब लाया, तो क्या विश्व के पटल पे इस देश का नाम नहीं था? अरे इस देश का नाम कब नहीं हुआ जब महात्मा गांधी जैसे वीर क्रांतिकारी ने इस देश में जन्म लिया? कम नहीं था? अरे सुनिए, हम बिहारी हैं। संघर्ष के बारे में हमसे ना पूछना। आधे पेट खा के ना 1400 किलोमीटर का सफर करते हैं, सियासत खाते हैं, सियासत पीते हैं, सियासत ओढ़ते हैं, सियासत बिछाते हैं। हमें MP MLA नहीं बनना।
हम बिहारी हैं, हमारे खून में इंकलाब दौड़ता है, समझ रहे हैं। कभी पूरे देश में चुनाव होगा ना, आप जर्नलिस्ट कभी जाना बिहार, कभी लोग गीत सुनाई देंगे आपको। तो साहब हम आपसे कुछ नहीं मांगते, दे दीजिएगा जेल। बहुत गरीब परिवार से आते, बिना छत के मकान में रहते हैं। आज भारत में गरीबी है, मानते हैं आप क्या? अगर ये कहते नहीं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, अगर नहीं देंगे, अरे मरी माँ की छाती से दूध पी रहा था एक बच्चा कोरोना काल में, विश्व के पटल पे वो छवि। क्या क्या सोचते हैं कि नई दिल्ली के बाहर KFC है, बड़ा बर्गर है, किंग बर्गर है, ये है वो है, यही भारत की पहचान है। 20 रुपए के पराठे खा के ना पटना तक का सफर करते हैं विक्रमशिला एक्सप्रेस में, क्या बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि ये छवि होनी चाहिए भारत की, लेकिन इससे इनकार कैसे कर सकते हैं कि देश की बहुत बड़ी आबादी। आप ही कहते हैं ना 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, मत दीजिए, पता चल जाएगा। क्यों नौबत आई देने की 80 करोड़ लोगों को, क्यों नौबत आई राशन देने की, इस पे कोई बात करेगा? ये भी तो अच्छे दिनों का संकेत है, जो लोग मोदी जी राशन दे रहे तब भी दिक्कत है, ना दे तब भी दिक्कत है। अरे हम तो कहते हैं रोजगार नहीं दे रहे तो दिक्कत, राशन दे रहे तो। देखिए आप लोग कह रहे हैं ना, आप लोग क्या कह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात को कि आपको सहमत करता हूँ, और इस बात को मत काटना, प्लीज अपलोड कर देना, मैं आपसे हाथ जोड़ के हम इस देश की बहुत बड़ी आबादी कीड़ों मकोड़ों जैसा जीवन जी रही है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। जो गरीब तबका है, हर किसी का शोषण, अधिकारी से लेकर प्रशासन तक, समाज में जो थोड़ा सा फाइनेंसी थोड़ा मजबूत है, पैसे में है, उसका भी इसको भी झेल रहा है। तो सब मुझे ऐसा लगता है कि समस्या इस बात की है कि अगले 10 साल तक भारत में एक भी बच्चे नहीं होने चाहिए, और अगले 10 साल बाद 20 साल तक एक ही बच्चा होना चाहिए, और उस एक बच्चे पे सरकार को मजबूत पॉलिसी लानी चाहिए कि अगर वो एक बच्चा कि गुरु गोरखनाथ पीठ का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत बड़े महंत और संत हैं, गुरु गोरखनाथ पीठ से आते हैं योगी जी महाराज। गुरु गोरखनाथ कहते थे योगी मर मरण मीठा होत, बिना मरण कैसे योगी हो। अगर मोह माया को नहीं मारेगा, सांसारिक जीवन को नहीं मारेगा, और जब तक तू कैसे योगी बनेगा। और एक योगी का काम होता है सभी के लिए दया दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखना, उसके लिए हिंदू और मुसलमान नहीं होता कोई, समझते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जब वो कहते हैं 20 और 80, तो मैं कहता हूँ ये जब ये 20 और 80 की जब ये बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये योगी नहीं भोगी क्यों। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, जैन मुनि और साध्वी को आप देखना, पूरे जीवन 1 रुपया उनके जेब में नहीं, 1 रुपया उनके अकाउंट में, पूरे पृथ्वी में उनके नाम की एक गज जमीन नहीं, पूरे जीवन कष्ट त्याग किसे कहते हैं, योगी किसे कहते हैं। किसी जैन मुनि या साध्वी के चरणों में जाके देखें क्या त्याग है। अरे ये तो राजमहल में रहते हैं, पूरी सुख सुविधाएँ ले रहे हैं, पूरे जिसम पे ना एक मच्छर काटेंगे ना 1000, किसी जैन मुनि को धूप नहीं लगाएगा कोई मच्छर ना मर जाए, ऐसी सहनशीलता, ऐसा त्याग कि मच्छर काट ले लेकिन पूरे जीवन में साबुन इसलिए नहीं लगाया कि कोई मेरा जीव ना मर जाए मेरे शरीर पे जो जी। हम क्या कहते हैं कि दुनिया के 95% हिंदू, 90% सिख, 63% जैन, 64% बौद्ध, 50% पारसी, 9.5% मुस्लिम, और 1% ईसाई भारत में रहते हैं। सभी को उनके धार्मिक अनुष्ठान मानने की आज़ादी है और रहनी भी चाहिए, लेकिन इस धार्मिक गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की है, इस मोहब्बत फिजा, मोहब्बत के फिजा में आग लगाने की कोशिश की है। मैं बता रहा हूँ वर्तमान की सरकार, यार हम कोई वो है क्या, हम क्या करें, हम आइडियोलॉजी विचारों की व्यक्तिगत लड़ाई है, हम विचारों की लड़ाई लड़ने हैं, हमें पर्सनली मोदी जी की लड़ाई नहीं है, नफरत करते हैं मोदी जी से, नफरत और क्या, मोहब्बत करते हैं मोदी जी से। अगर मैं लड़की होता और 18 साल की उम्र में मिलता तो मैं माँ कसम खंभे पे चढ़ जाता हूँ उनसे शादी करने के लिए। मोहब्बत करता हूँ नरेंद्र मोदी जी से। तो आप लड़की होते तो क्या करते हैं? उनको छत पे चढ़ जाता हूँ उनसे शादी करने के लिए, मोदी जी से। हाँ वैसे आप कह रहे नफरत है तो प्रेम इतना है। मैंने शादी नहीं करनी, मैं भी अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पे हूँ। हाँ मैंने भी शादी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। हाँ मैं नरेंद्र मोदी जी की तरह धोखेबाज नहीं रहूंगा, धोखेबाज कि ब्याह करके गोना नहीं करूंगा, ना ब्याह करूंगा ना गोना करूंगा। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं बिया करूंगा और गोना नहीं करूंगा भैया। उस कहते हैं दो चीज़ों से ना हर राष्ट्र की पहचान हो जाती है, औरतों के सम्मान से और पशु के सम्मान से। तो वही तो नारा लेकर चल रहे हैं मोदी जी, महिलाओं का सम्मान। नरेंद्र मोदी पक्के महिला विरोधी हैं। कर्नाटका में देखें आप लेडीज हैं, आपने सर खोल रखे हैं या ढक रखे हैं, आप जींस पहने टॉप पहने, आपका जीवन आपकी, यही तो समानता है, यही अम्बेडकर की बात है। वो कहते हैं सर ढकना रिलीजन ही अटैचमेंट है, क्या बात करते हैं साहब। दीदी आगे ना आपने भी मुझे भेज दीजिए आप मुझे पाकिस्तान। अरे इस देश की मट्टी से इतना मोहब्बत करता, कण कण कट के इसी में लग जाएंगे, इसी में जो लोग माथे से इस मट्टी को
जो लोग इस मट्टी को माथे से चंदन समझ के लगा लेते ना, खुदा की कसम, राम जी की कसम, मैं इस मट्टी में पूरा समा जाऊंगा। और मैं जीवन में ना मट्टी क्या किया, ये क्या किया आपने, देखो ये धरती माँ जो है ना, ये धरती माँ जो लोग इसे माथे पे चंदन समझ के लगाते है ना, मैं इसमें पूरा समा जाऊंगा। क्योंकि मौत तो बाहर है, मौत तो बाहर है। हम क्या कहते हैं, ये रामनाथ सिंह ठाकुर का नाम सुना है, वो कहते थे तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, ये वादे झूठे हैं और ये बातें किताबी हैं। हम इसकी लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं। और आपको एक बात बता दूं, आप पत्रकार हैं, आपके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है। हमेशा समाज में लास्ट पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति अगर अपने मुँह में कुछ रखता है, दिल में कुछ रखता है, सरकार तक कुछ पहुँचाना चाहता है, तो बुलवा दीजिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है। जेल और कष्टमय जीवन है हमारा, हम 5 स्टार होटल, 3 स्टार या 2 स्टार ही नहीं देखा, ढाबे पे खाना खाते हैं, ढाबे पे खिलाते हैं, हमने कुछ नहीं देखा। आपकी जेल से भी बदतर जिंदगी है मेरा घर, मेरे घर की, तो जेल से मत डर। हाँ, आपकी मार से डर लगता है, जिस दिन आप मारेंगे तो कह देंगे सब गलती हो गई, लेकिन ये गलती दोहराने से आप ये गलती दोहराने से हमें रोक नहीं पाएंगे। आप कह रहे हैं आप पे भी जांच होनी चाहिए। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।